मुझे बुद्धा पॉइंट से मेमोरियल चोटन आने में 1.5 घंटे लग गए। मुझे कोई लिफ्ट नहीं मिला, इसलिए मैं पैदल ही आया। ये नेशनल मेमोरियल स्तूपा है, इसे थिम्पू चोटन भी बोलते हैं। ये 1974 में दिग्मे दोर्जे वांगचुक के आदर में बनाया गया था। ये जगह काफ़ी ही पीसफुल लग रहा है। आज टीचर डे होने की वजह से काफ़ी बच्चे भी आए हैं। इस धूप में 1 किलोमीटर और चला मैं उस शांति स्तूपा से, और मैं आया हूँ सिप्ली भूटानिक म्यूज़ियम है। यहाँ पर भूटानी कल्चर्स के कुछ मैं अभी थिम्पू के सर्कल में हूँ, और मेरी नेक्स्ट पॉइंट है पोस्टकार्ड म्यूज़ियम, जो 1.5 किलोमीटर है सिप्ली भूटान से। यहाँ का वेदर भी बहुत गर्म है और टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा है, 24 डिग्री टेम्परेचर है। धूप काफ़ी तेज़ है, मुझे तो बहुत पसीने हो रहे हैं। मैं भूटान पोस्टल म्यूजियम तो आ गया, पर ये आज बंद है क्योंकि आज नेशनल हॉलीडे है। अब मेरी अगली पॉइंट कोई हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम है, जो यहाँ से 300 मीटर दूर है। मैं आ गया नेशनल हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम। यहाँ पर हाथ के बने हुए चीज़ें हैं, और यहाँ की लोकल जो चीज़ें हैं वो है, सब खरीद सकते हो। मुझे पहला हिंदुस्तान का झंडा दिखा थिम्पू में। सार्क के जितने सारे कंट्रीज़ हैं वो सब के झंडे लगे हुए हैं, जिसमें से मैं कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। श्रीलंका है, फिर नेपाल है, इंडिया है, पाकिस्तान है। मेरी अगली पॉइंट है भूटान टेक्सटाइल म्यूज़ियम, जो 500 मीटर दूर है मेरी लास्ट पॉइंट से।
वहाँ पर पेंटिंग्स जो किए हुए हैं वॉल पे काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं, काफ़ी कलरफुल हैं। चाहे वो इस वॉल की बात करिए या फिर जो यहाँ दिख रही हैं या फिर जो यहाँ दिख रही हैं तीन। टेक्सटाइल म्यूजियम से कुछ ही दूर में रॉयल थिम्पू गोल्फ क्लब भी है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। टूर्नामेंट भी हो रहा है पर मुझे इसके आगे जाने का परमिशन नहीं है। मैं आया हूँ अभी फॉल्क हेरिटेज म्यूजियम जो 200 मीटर दूर है गोल्फ कोर्स के गेट से। आज हॉलीडे है इसी वजह से, पर इससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं होते क्योंकि अंदर में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बस मैं नहीं देख पाऊँगा। एक फोल्क हेरिटेज जैसा ही रेस्टोरेंट भी था, आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। मेरी अगली पॉइंट है तासीचो जोंग, पर वो यहाँ से 1.6 किलोमीटर दूर है। चलते चलते आपको कुछ तथ्य बता देता हूँ भूटान के बारे में। वर्ल्ड की दो ऐसी कैपिटल हैं जिसके सिटी में आपको स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेंगे। एक है नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग और दूसरा है थिम्पू भूटान का जो कैपिटल है। ये वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी कंट्री है जो अपना डेवलपमेंट जीडीपी पर नहीं बल्कि जीएनएच पर कैलकुलेट करती है। जीएनएच मतलब होता है आपका ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। यहाँ पर भागदौड़ नहीं है, लाइफ शांत है, किसी को किसी से आगे नहीं निकलना है। हर कोई यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग को फॉलो करते हैं, ट्रैफिक रूल्स प्रॉपरली फॉलो होती हैं। भूटान में कई सारे पीक हैं जो कभी भी क्लाइम नहीं किए गए हैं। इसका मतलब ये ना हो कि आप अपने बकेट लिस्ट में ऐड कर लें क्योंकि आप उसे क्लाइम नहीं कर सकते। भूटान में 6000 के ऊपर पर कोई भी पीक क्लाइम करने की परमिशन नहीं है, इसीलिए आप इसे भूल ही जाएं। और यहाँ की कुछ ख़ास बातें ये भी हैं कि यहाँ जो ड्रेस हम देखते हैं ये इनकी नेशनल ड्रेस है और उसे हर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पहनना पड़ता है अपने ऑफिशियल वर्क में। एक और जो जानने वाली बात है, अगर आप इंडिया मालदीव और बांग्लादेश से आए हैं तो आप यहाँ पर अकेले घूम सकते हैं अगर आपके पास परमिशन हो। फीमेल्स को तो इजली मिल जाते हैं, मेल्स का मैंने सुना था नहीं मिलते हैं, पर मुझे मिल गए बिना किसी क्वेश्चन के।
अगर आप इसके अलावा किसी और कंट्री से बिलोंग्स करते हैं तो आपको यहाँ पर टूर एजेंट बुक करनी पड़ेंगी, और आपकी ओवरऑल कॉस्ट पर पर्सन पर हेड कम से कम $250 होनी चाहिए, तो ही आपको भूटान में परमिशन मिलेगा। टिकट तो मैंने ले ली है, ये रहा टिकट। मैं एक रोचक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर 500 भूटानी करेंसी दिया था, मुझे 200 रुपीज़ इंडियन करेंसी मिले रिटर्न में। और जहाँ मैं सिंपली थिम्पो गया था वहाँ पर भी मैंने 1000 रुपीज़ भूटानी करेंसी दिया था, और 700 मुझे रिटर्न में इंडियन करेंसी ही मिले थे। वहाँ पर भी 300 भी ही थे और यहाँ पर भी 300 ही हैं। इसका मतलब भूटान में इंडियन करेंसी वाइडली एक्सेप्टेबल है गवर्नमेंट्स ऑफिसर्स के यहाँ भी। मैं जब नेपाल गया था तो वहाँ पर लोकल लोग यूज़ कर रहे थे इंडियन करेंसी, पर गवर्नमेंट्स के जो थे वहाँ पे वो इंडियन करेंसी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा एक्सचेंज करके आने के लिए, एक दो जगह ऐसे थी जहाँ पर मैंने ये फेस किया था। चलिए अब चलते हैं जोंग की ओर। ये जोंग दो भागों में बटी हुई हैं, एक भाग जो रिलीजियस है, दूसरी भाग जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए हैं। यहाँ पर फेस्टिवल्स होते हैं अक्टूबर मंथ में, अगर आप फेस्टिवल देखने के शौकीन हैं तो फिर आप अक्टूबर मंथ में आए यहाँ पे। अभी यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है फ्लैग से रिलेटेड, छोटी सी जो हर सुबह और शाम को होती है। थोड़ा रोको, थोड़ा 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 हाय बोलो हाय हाय। शर्मा रही है तेरा। ये जगह में नहीं गया, वो था सेम तोफा जोंग, मैंने ऑलरेडी एक जोंग देखा। थिम्पू का साइड सीन मेरा कंप्लीट होता है ये छोटी सी बच्ची की स्माइल से। Thank you. Okay, now I will explain this.